नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि लाखों पेंशनर्स के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर किया गया है यह बड़ा फैसला। तो दोस्तों, जो पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, उनकी पेंशन को लेकर सरकार ने जो बड़ा फैसला कर दिया है, वो फैसला क्या है, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। यह अच्छी खबर उनके खाते में आने वाले कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन को लेकर है। EPFO ने सर्कुलर जारी करके यह कह दिया है कि पेंशन भोगियों को महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशन मिलनी चाहिए। यानी अब EPS की सुविधा लेने वाले को पेंशन के लिए महीने के एक दो दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन भी वेतन की तरह मिलेगी। वह हर महीने के आखिरी तारीख को पेंशन भोगी के खाते में डाल दी जाएगी। आपको बता दें कि अब तक के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक महीने के पहले कार्य दिवस पर पेंशन की राशि खाते में जमा की जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन डिवीजन द्वारा समीक्षा की गई है और RBI के निर्देश के मुताबिक यह तय किया गया है कि सभी फील्ड अधिकारी मासिक BRS को पेंशन विभाग को भेज सकते हैं। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना में ध्यान रहे कि पेंशन भोगियों के खाते में समय से पैसा जमा हो। पेंशन भोगियों की पेंशन माह के अंतिम कार्य दिवस को या उससे पहले जमा कर दी जानी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सर्कुलर में कहा कि इन आदेशों की सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ ही सभी कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र के बैंकों को इन दिशा निर्देश का पालन करने के निर्देश दे दें। दोस्तों, आपको बता दें कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है, जिसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक काम करना अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि में भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना जमा किए जाते हैं। EPF में योगदान करने वाले कर्मचारी भी EPS के लिए पात्र हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उनको पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें कि पेंशन भोगियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उन्हें पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सर्कुलर जारी करके यह जानकारी दे दी है। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा कि अब आपको अपनी पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेंशन की राशि माह की अंतिम तिथि को सभी के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन राशि माह के अंतिम कार्य दिवस पर हस्तांतरित की जाएगी। कई बार पेंशन भोगियों को छुट्टी या किसी अन्य कारण से लंबा इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सर्कुलर में कहा है कि उपरोक्त निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के मद्देनज़र सभी कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि वह अपने अपने क्षेत्र अधिकार के तहत कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें, ताकि उपरोक्त निर्देशों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही ये निर्देश भी जारी किए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन भोगी के खाते में पैसा ट्रांसफर होने के दो दिन पहले ही यह राशि बैंकों को दे दी जाए, ताकि सभी काम सुचारू रूप से हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि EPF खाताधारक इस पेंशन के लिए पात्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि EPS उन सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है जिनका वेतन और DA एक साथ 15,000 रुपये से कम या उससे भी कम है। EPFO द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।